फिर दिल का सुकून थी वो। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास, आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि आप यहाँ पे इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। और इस वीडियो को भी मैं आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की मदद बनाकर दिखाने वाला हूँ, तो आपको उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन को यूज करके ऐसी वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप इसको चाहे तो आप काइन मास्टर से बना सकते हैं, लेकिन काइन मास्टर बनाने में आपको यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है और यहाँ पे आपको समय भी काफी ज्यादा लग जाएगा। तो चले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह की वीडियो को कैसे बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर दे, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको एकदम टाइम पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में जाना है और आपको एक ऐप सर्च करना है, वी फ्लाई। तो आप जैसे ही वी फ्लाई सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऐप ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो आपको इसको प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक ब्रोकन हार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे इस वीडियो पे। और उसके बाद आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा आपको। तो आप चाहते थे यहाँ पे काइन मास्टर से इसको बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता और यहाँ आपको बहुत चीज़ मिल जाता है बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट मेकिंग पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ही बहुत सारा इफेक्ट है पहले से ही। तो आपको यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट मेकिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि योर टेक्स्ट और यहाँ पे योर फोटो का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे योर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं लेटर में, टेक्स्ट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बी सेलेक्ट कर लेते हैं। और आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिप्लेस एक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। और आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ से किसी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी इमेज को आप लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर मतलब आपको क्रॉप कर लेना है कि आपको यहाँ पे कितना लगाना है, और उसके बाद आपको यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज हमारा लग चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेक का ऑप्शन दिखा, तो आपको इस मेक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है, और आपका वीडियो यहाँ बन करके रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्या करना है कि अपने टिकटॉक ऐप को यहाँ से खोज करके यहाँ से आप डायरेक्ट अपने टिकटॉक पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे टिकटॉक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ समय मतलब यहाँ पर ऐड वगैरह आएगा, और उसके बाद यह ऑटोमेटिक अपलोडिंग में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया वीडियो, और इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यह आ जाएगा। तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसको जो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे वाटर मार्क का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि एक ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, वाटर मार्क रिमूव करने वाला, और वहाँ से आप वाटर मार्क को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकल विकास चैनल लिख देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा आपके टिकटॉक आईडी पे।